हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे एवेंजर 5 और एवेंजर सीक्रेट वॉर से रिलेटेड काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे टॉप अपडेट्स के बारे में कि हमें सैंडिएगो कॉमिक कॉन में क्या क्या अपडेट्स पता चले हैं। तो भाई अपडेट बहुत ही ज़्यादा कमाल के, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एवेंजर 5 और एवेंजर 6 को कौन डायरेक्ट कर रहा है, यानी कि एवेंजर्स डूम्सडे। जी हाँ, तो एवेंजर 5 का ऑफिशियली पहला टाइटल पता चल चुका है, जो कि है एवेंजर कैंग डायनेस्टी की जगह अब इसको कर दिया एवेंजर्स डूम्सडे। जी हाँ, अब डूम डे नाम से पता चल रहा होगा कि भाई इसमें डॉक्टर डूम तो होने ही वाला है। कौन इसका कैरेक्टर प्ले करेगा तो उसको थोड़ी देर में बताते हैं। उससे पहले एवेंजर सीक्रेट वॉर का टाइटल वही रखा है, तो एवेंजर सीक्रेट वॉर भी रिलीज होगी साल 2027 में और एवेंजर डूम्सडे रिलीज होगी साल 2026 में। दोनों मई के महीने में ही रिलीज होंगी। उसके बाद ये है उनके ऑफिशियली लोगो, जो कि शायद मे भी आने वाले टाइम में चेंज हो सकते हैं, क्योंकि 2 वीक्स बाद ही सैंडिएगो कॉमिक कॉन भी है, तो उसके भी आपको मैं अपडेट फटाफट दूंगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारी अनाउंसमेंट होने वाली है। उसी के साथ इन दोनों मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं हमारे पुराने डायरेक्टर, फेवरेट, सभी के फेवरेट, एवेंजर इन्फिनिटी और एंड गेम के रूसो ब्रदर। जी हाँ, जैसा कि पहले रूमर आया था कि रूसो ब्रदर मार्वल स्टूडियो में बात कर रहे हैं इन मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, पर फाइनली अब कंफर्म हो चुका है सैंडिएगो कॉमिक कॉन में कि दोनों मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं रूसो ब्रदर। और उसी के साथ एक खबर और आई है कि फैंटास्टिक 4 भी इन दोनों मूवी में आएंगे। जी हाँ, तो यानी कि हमें साल 2025 में जो फैंटास्टिक 4 मूवी देखने वाली है, उसके बाद हमें डायरेक्ट ये एवेंजर्स डूम्सडे में और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ अब बात करते हैं फाइनल खबर के बारे में। तो फाइनली डॉक्टर डूम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आरडीजे इज बैक। अब हीरो के बाद अब विलन का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे ये चैलेंजेस पसंद है और देखता हूँ कि आगे क्या होगा। और उनकी ये फुटेज देखिए। I mean, this is potentially one of the more entertaining characters in all of fiction. If we're going to do this, if we're going to bring him to movie theaters worldwide, then I think we're going to need the greatest actor in the world to play that character. Okay, ladies and gentlemen, as proof of the unimaginable possibilities in the Marvel multi-universe, we give you the one person who could play Victor Von Doom. जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है भाई, इंटरनेट एक तरीके से जो समझ लो ब्रेक हो गया है और लिटरली मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। क्या अनाउंस कर दिया और एक हफ्ते तक मार्वल स्टूडियो ने इसको छुपा के कैसा रखा। बाकी आपको ये अपडेट जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, जा रहा हूँ।